चार फोन पर दोस्तों चलेगा एक ही व्हाट्सएप अकाउंट, आपको दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये व्हाट्सएप का बिगेस्ट अपडेट है और इसके यूज करने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केकेसी डेली ट्रेडिंग न्यूज में आपका स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हाउ टू यूज सेम व्हाट्सएप इन टू फोन्स। व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर वो फीचर जोड़ दिया है जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट की। इस फीचर की मदद से आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को कई स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं आप ये फीचर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। हालांकि इसके एक फीचर का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट की या फिर कंपेनियन मोड की। वैसे तो आप व्हाट्सएप वेब की मदद से एक ही अकाउंट को फोन और पीसी दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ये फीचर्स फोन के लिए भी आपको मिलेगा। यानी आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को चार स्मार्टफोन तक में यूज कर सकते हैं। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस फीचर्स का ऐलान किया है। इस फीचर्स के बारे में उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है। क्या है व्हाट्सएप का नया फीचर्स? मार्क्स ने बताया, आज से आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को चार फोन्स तक में लॉग इन कर सकते हैं। कंपनी की माने तो व्हाट्सएप का नया फीचर कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। यूजर्स को व्हाट्सएप के इस फीचर्स का लंबे समय से इंतजार था। कुछ दिनों पहले ही इस फीचर्स को व्हाट्सएप बीटा यूजर्स के लिए रिलीज किया गया था। नए अपडेट की मदद से यूजर्स अपने मैसेज और चैट्स को सभी डिवाइसेज में सिंक कर सकेंगे। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप यूजर्स को अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए अब हमेशा प्राइमरी डिवाइस को साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप का ये फीचर्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ आता है, यानी आप कई डिवाइस में अपने अकाउंट को यूज भी कर सकेंगे और इंक्रिप्शन भी बना रहेगा। वैसे तो कंपनी इस फीचर्स को साल 2021 से ही व्हाट्सएप बीटा पर टेस्ट कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने इस फीचर्स को सभी बीटा यूजर्स के लिए रिलीज किया था। कैसे काम करेगा ये फीचर्स? इस फीचर्स को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले सेकेंडरी फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने पर आपको ऊपर दिख रहे हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करना होगा। यहां आपको लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। एड द नंबर एंड लिंक इट टू योर अकाउंट। इस पर क्लिक करते ही आपको सामने एक QR कोड आ जाएगा। अब आपको अपने प्राइमरी फोन से व्हाट्सएप ओपन करना होगा और लिंक डिवाइस के ऑप्शन पर जाना होगा। अब सेकेंडरी फोन पर दिख रहे QR कोड को आपको प्राइमरी फोन से स्कैन करना होगा। इस तरह से आप दोनों ही स्मार्टफोन पर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट यूज कर सकेंगे। प्लीज कमेंट करें आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।